होता क्या है कि हमारे जिंदगी में हम एक तो शिकायत करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो बुरा है, उसने ऐसा करना चाहिए था, उसने वैसा करना चाहिए था, या फिर दिमाग में अंदर छोटी आवाज चालू रहती है, वो अपने को इन्फ्लुएंस करती रहती है, वो जीने नहीं देती है, सब निगेटिव बातें करती रहती है, ये निगेटिव, वो निगेटिव, वो निगेटिव, मतलब कुछ भी निगेटिव चालू रहता है अंदर, पॉजिटिव बातें निकलती नहीं है, कोई संभावना है नहीं, चालू है वही निगेटिव निगेटिव। या फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ, मुझे कुछ तो भी किसने तो भी मान सम्मान देना चाहिए, मुझे बड़ा बोलना चाहिए, मुझे प्रशंसा करना चाहिए, मुझे तारीफ करना चाहिए, वाह क्या मकान बनाया, वाह क्या गाड़ी लिया, मतलब इस तरह का मेरा होना चाहिए। तो ये चक्कर में कंटिन्यूअसली मेरा लाइफ चालू है, सुबह से रात तक, सुबह से उठता हूँ रात तक बस वही चालू है, एक तो शिकायतें करो, कंप्लेन करो, नकारात्मक बोलो, कुछ तो भी काम करो, पैसा कमाओ, गालियां खाओ, झगड़े करो, झंझट करो, कैसा तो भी काम करो, किरिकिरी करो, कहीं डोनेशन दो, कोई नाम कमाओ, कोई सोशल क्लब में जाओ, रात को आओ, टीवी देखो, सो जाओ, उठो फिर से चालू है। तो फिर क्या यही जिंदगी है? ये तो मशीनरी की जिंदगी हो गई, मशीन जैसा चालू है, खटक 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 चालू, नहीं कोई संभावना है नहीं। और मशीनरी यदि है तो मशीनरी क्या कर रही है? मशीनरी वही 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 काम कर रही है, जो भी कुछ हो रहा है उसको मीनिंग दे रही है, जो भी कुछ हो रहा है उसको मीनिंग दे रही है, जो भी कुछ हो रहा है उसको अर्थ दे रही है। ये ऐसा हो गया क्योंकि ऐसा हो गया, ये ऐसा किया इसका मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया इसका मतलब ऐसा है, चालू है मशीनरी को अर्थ देना, चालू क्या है? हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली जो है वो लोगों को, सिचुएशन को, घटनाओं को अर्थ देते रहता है। एक्चुअली लाइफ में क्या अर्थ है? एक्चुअली लाइफ में कुछ अर्थ नहीं, हम जो अर्थ देंगे वो लाइफ में अर्थ है, जो मशीनरी अर्थ देती है वो अर्थ है। अभी समझो, मैंने ये ऐसा हाथ रखा, ये ऐसी घटना हुई, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो सकता है कि भाई मुझे मच्छर काटा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या मैं सो रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, क्या मुझे मेरा अटेंशन देना था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, क्या मैंने सिर्फ हाथ ऐसा रख लिया, या किसी को मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, मार रहा हूं, ऐसा कुछ कर रहा हूं, इसका क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग लाइफ में, एक्चुअली क्या मीनिंग है लाइफ में? कोई मीनिंग है नहीं, जो भी हो रहा है वो हम मीनिंग दे रहे हैं, लाइफ में कुछ नहीं है, घटनाएं होते जा रही है। ये जो पर्दा है इसका कलर जो है वो हरा है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? ये पर्दा हरा है, इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, इसका मतलब पर्दा हरा है। हाँ, इसका उपयोग बता सकते कि हाँ, इसका उपयोग क्रोम के लिए लगा सकते हैं, क्रोमा तैयार करना है लगा सकते हैं, ये झंडे के लिए काम में आ सकता है, मतलब ऐसा उसका उपयोग, मतलब उपयोग बता सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है? समझो आप फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, सातवें माले पे रह रहे हैं, ऊपर से 10वें माले पे से एक लड़का लड़की सुबह सुबह 7 बजे नीचे उतर रहे हैं, आपने देखा, अब दोनों लड़का लड़की नीचे उतरे, उसका मीनिंग क्या है? क्या वो भाई भाई, क्या वो बहन भाई है साथ में जा रहे, क्या वो पति पत्नी है घूमने जा रहे, क्या वो कोई लफड़ेबाज है लफड़े करके वापस जा रहे, क्या इसके यहाँ बैठक करने के लिए आए थे? कुछ भी हो सकता ना मीनिंग। एक घटना जो है उसके 10 लोग वो घटनाओं की तरफ देखते हैं तो उसके 10 अर्थ अलग अलग निकाल सकते हैं। तो फिर एक्चुअली घटना को क्या मीनिंग है? घटना को तो कुछ भी मीनिंग नहीं है। तो पानी तेरा रंग कैसा, जैसे जिसने मिलाया वैसा, जहां मिला है वैसे पानी का रंग है, आप जो अर्थ लगाएंगे वो अर्थ है। मगर हम क्या करते हैं? हम उसको अर्थ लगाते हैं और ऐसा जीते हैं कि जो मैंने अर्थ लगाया वो सच्चे अर्थ है, वो सही अर्थ है, वो एकमेव अद्वितीय अर्थ है। उधर से वो आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था, उसने मेरे तरफ देखा नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि ये मुझे निग्लेक्ट करता है पक्का, दूसरा मीनिंग में लगाता ही नहीं हूं, वो नहीं मैं मीनिंग लगाता हूं कि नहीं उसका ख्याल नहीं होगा, वो अपने लफड़े में होगा, वो अपने फिराक में होगा, कुछ भी नहीं, वो मुझे निग्लेक्ट कर रहा है। तो लाइफ में एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है, हम ऐसा जीते हैं कि जो मीनिंग मैं लगाता हूं वो सच्ची है, वो अकेला है, एकमेव अद्वितीय है, उससे प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली लाइफ, ये जिंदगी, यह खाली और अर्थरहित है, इसको कोई अर्थ वैसा है नहीं है, हम जो अर्थ लगाएंगे वही अर्थ है और वो ऑटोमेटिक आने वाला है अर्थ।
तो जब ऑटोमेटिक अर्थ आने वाला है, ऑटोमेटिक में अर्थ लगाने वाला हुई ही हूं, तो फिर अच्छा अर्थ क्यों नहीं लगाना जो मुझे एम्पावर करेगा। अर्थ अच्छा लगाओ, एम्पावर करने वाला अर्थ लगाओ, डाउन वाला क्यों अर्थ लगाने का है, और जिंदगी आराम से जियो। थैंक यू वेरी मच।